कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया तुमने आने में? क्यों, लड़कियां लेट नहीं हो सकती क्या? लेट होने का हक सिर्फ तुम लड़कों को होता है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लड़कों के कहने का मतलब क्या होता है। गवारों जैसी सोच है, लड़कियों को आगे बढ़ता तो तुम लोग देख नहीं सकते। तुम तो आते ही भड़कने लगी। भड़कूंगी नहीं तो तुमसे प्यार करूंगी? एक तो मुझे यहाँ इतनी दूर बुला लिया, आने में मुझे पूरा एक घंटा लग गया। अगर मुझे कोई पैसे देके भी बुलाए ना इतनी दूर, मैं तब भी ना जाऊं। तुम्हें यहाँ बुलाने का रीजन कोई और था? खैर छोड़ो। सर, योर ऑर्डर। क्या खाओगी? I would have to like a pepperoni pizza with extra cheese. मेरे लिए एक नॉर्मल सैंडविच कर देना। ओके सर, थैंक यू। तुम हंस क्यों रही हो? वो क्या है ना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि पेपरोनी, हवाइन, इन सब के नाम तो तुमने सुने भी नहीं होंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इटालियन प्रेफर नहीं करता। वैसे तुम्हें और तुम्हारे कपड़ों को देख के पता चल रहा है तुम्हारी औकात का, कि तुम ये सब प्रेफर कर भी नहीं सकते। बातें तो तुम ऐसे करो जैसे किसी 5-स्टार होटल में जाके डेली खाना खाते हो। What the hell? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये तुम कैसे गवारों की तरह खाना खा रहे हो? हाथ से कौन खाता है? तुम्हें देखकर ना मुझे तो घिन आ रही है। घिन आ रही है? अरे हाथ से पूरा हिंदुस्तान खाना खाता है। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही थी कि तुम एक नंबर के अनपढ़, जाहिल और गवार किस्म के आदमी हो। पता नहीं मेरे बाप ने तुम्हें ऐसा क्या देखा और तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, और ऊपर से रिश्ता भी भेज दिया। जब मुझे पता चला था ना कि तुम 50,000 पर महीना कमाते हो, मेरा मन तो करा था उसी टाइम तुम्हें ना मना कर दूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मिलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाए। अच्छा ये बात है, मुझे चम्मच से खाना नहीं आता तो मैं अनपढ़, गवार, जाहिल हो गया है? और तुमने मेरे कपड़े देख के मुझे जज कर लिया कि मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। तुम्हें पता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि पास में ही रेडिसन ब्लू होटल है, उसमें मेरी मीटिंग है। मैं चाहता तो तुम्हें वहाँ भी बुला सकता था, लेकिन मैंने सोचा वहाँ बहुत भीड़ होती है तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि यहाँ शांति होती है, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और शायद तुम्हारे घर वालों को या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं महीने का 50,000 नहीं, एक दिन का 50,000 रुपये कमाता हूँ। क्या, एक दिन का 50,000? हाँ। सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कुछ और बात करते हैं ना, आगे बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? अभी एक मिनट पहले तक तुम्हें मैं गवार, जाहिल लग रहा था, घिन आ रही थी तुम्हें। जैसे ही पता चला मैं अच्छा अर्न करता हूँ तो तुम्हें मेरी हॉबी जाननी है? अरे तुम जैसी लड़की से शादी तो क्या, मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। संजू मेरी बात तो सुनो। बाय।